चैनल, मैं हूँ सोनिया। अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपीज अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ वेज नगेट की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे टी टाइम में भी खा सकते हैं। तो चलिए हम इसे फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 3 मीडियम साइज के आलू, और इन्हें मैंने बॉईल करके रखा है 1 घंटा पहले, क्योंकि आलू का मॉइस्चर पूरी तरीके से निकल जाए इसलिए मैंने 1 घंटा पहले इसे उबाल कर रखा है। हमें चाहिए ब्रेड क्रम, नमक, रेड चिली पाउडर, कॉर्नफ्लोर। इस डिश में मैंने लिया है गाजर कटा हुआ, शिमला मिर्च, हरा धनिया और हरी मिर्च। और डीप फ्राई के लिए हमें चाहिए ऑयल। सबसे पहले हम आलू का ऊपर का कवर निकाल लेते हैं और इसे ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। इसे हम इस बड़ी वाली ग्रेटर से ग्रेट करेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियां ना रहे। आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम से ये नगेट्स और ज्यादा क्रिस्पी होते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कट किया हुआ गाजर, 1 मीडियम साइज की शिमला मिर्च, हरा धनिया और हरी मिर्च। हरी मिर्च के बदले आप रेड चिली पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे नमक। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से ही। हमारा डो बनकर तैयार हुआ है और अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। सबसे पहले हम हाथ को ऑयल लगा लेंगे। हाथ को मैंने ऑयल लगा लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। और इसे हम ओल शेप देंगे। इस तरीके से नगेट्स को मैंने शेप दे दिया है। अब हम कॉर्नफ्लोर का घोल बना लेंगे। एक बॉल में मैंने लिया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक। ये मिक्स करेंगे और 1 से 2 चम्मच पानी डाल के एक घोल बना लेंगे। मैंने घोल बना लिया है। और एक बॉल में मैंने लिया है ब्रेड क्रम। अब हम नगेट्स को एक एक करके इसमें डीप करेंगे। और ब्रेड क्रम में फिर से डिप करेंगे ताकि ये और ज्यादा क्रिस्पी बने। इस तरीके से नगेट्स को मैंने ब्रेड क्रम से कोट कर लिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए इस तरीके से ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक हमारा ऑयल भी गर्म हो रहा है। ऑयल गर्म हो गया है। अभी हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं और इसमें हम एक एक करके नगेट्स को डालेंगे। इन्हें हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक डीप फ्राई कर लेंगे। जैसे ही आप नगेट्स को ऑयल में डालते हैं तुरंत ही आपको इसे हिलाना नहीं है, अदरवाइज ब्रेड क्रम नगेट से निकल जाएंगे। तो आप इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखें और बाद में आप इसे चम्मच से हिलाइए। अब मैं इन्हें एक एक करके निकालती हूँ। नगेट्स को मैंने टर्न कर लिया है और एक साइड से अच्छे से ब्राउन कलर आ गया है और ये ऊपर से हल्के हल्के क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब हम दूसरे साइड से भी इसी तरीके से इसे डीप फ्राई कर लेंगे।
नगेट्स हमारे अच्छे से डीप फ्राई हो गए हैं और इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से हम सारे नगेट्स डीप फ्राई कर लेंगे। नगेट्स को मैंने डीप फ्राई कर लिया है और अब हम इसे एक डिश में सर्व करेंगे। फाइनली फ्रेंड्स, हमारे डेलीशियस सुपर टेस्टी और क्रिस्पी वेज नगेट बिल्कुल रेडी हो गए हैं और आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। इन्हें मैंने टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है और ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं।